ओम हर हर महादेव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, आत्मा चैतन्य। ये शरीर कुछ भी नहीं है, बस एक नाम के रूप में हमको मिला है। ये आत्मा अजर अमर है, ना कभी मरती है ना कभी मरेगी। तो इस आत्मा के रूप में यदि हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर मिलने का हम लाभ उठाएं। एक आत्मा की प्रार्थना भी होती है, वो हम लोग सभी लोग मिलकर मैं आप लोगों से विनती करूंगा, जो भी इसको सुनेंगे, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे मेरी विनती है कि वो इस चीज़ को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो जीव वो प्राणी भी ये समझ पाए कि ये मनुष्य तन कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। इस मनुष्य शरीर को हम पाकर ही अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं। आज हम आत्माओं से प्रार्थना करने के विषय में जानेंगे। हमारे मन को इतनी शांति और सुख मिलेगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, पर है ये बात बहुत छोटी। आइए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठिए, कहीं बाहर है तो ध्यान में आइए, अपने मन को शांत कीजिए। आज हम इस मनुष्य शरीर में जो हमने ये जन्म लिया है ना, इसके विषय में बात करते हैं। हम दूसरी आत्माओं से कैसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, धन कमाया, पैसा कमाया, यश कमाया, कीर्ति कमाई, पर क्या मैं उसको लेके जा पाऊंगा? नहीं, सिर्फ कर्म मेरे साथ जाएंगे और वो मेरे अगले जन्म आने वाले का मेरा उद्धार करेंगे। तो हमारे साथ क्या जाता है? सिर्फ हमारे कर्म, ना कि हमारा धन, ना कि हमारा पुत्र, ना कि हमारा पुत्री, ना कि हमारी पत्नी। क्या जाएगा? धर्म, जो हम करेंगे कर्म, धर्म के द्वारा ही होगा कर्म। यदि आप धर्म के विषय में जानते हैं तो अच्छे कर्म करेंगे, नहीं जानते तो आप बुरे कर्म ही करेंगे। तो धर्म को अच्छे से जानो, फिर अच्छे कर्म करो। अब इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण कार्य हम आपको बता देते हैं। देखिए, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, बस जो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमको कुछ ज्ञान हो रहा है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले। आप लोग चाहें तो इसको शेयर करें, ना चाहो तो मत करो, ये आपकी रुचि और अरुचि पे डिपेंड करेगा। अब हम एक आत्मा है ना, हमारा मनुष्य शरीर जो है एक आत्मा है। जब तक ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, हम जीवित हैं। जब चली जाएगी तो ये शरीर को उठाएंगे परिवार वाले और जला देंगे। क्यों? क्यों नहीं रखते शरीर को? इसमें आत्मा ही नहीं है, चैतन्य नहीं है, प्रभु ही नहीं है, तो क्या करेंगे इस आत्मा का? वो जिसमें जीव ही नहीं है। तो अब हम आत्मा से, दूसरी आत्मा से प्रार्थना करेंगे अपने लिए। आप सभी से विनती है, आप जहां भी जैसे भी हैं बैठ जाइए शांति के साथ। कुछ नहीं सोचना क्या हो रहा है हमारे आसपास, जहां टाइम मिले बैठिए। सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है, लाभदायक है। सबसे पहले हमको क्या करना है? ओम, ये सबसे बड़ा नाम है उस परमात्मा का, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। यही मुख्य नाम है परमात्मा का। इस ओम के जप में लगे रहिए। अब आगे हमको प्रार्थना करनी है उन सभी जीवात्माओं से, उन सभी आत्माओं से जिनके साथ हमने कभी भी अपने जीवन में किसी भी रूप में गलत कार्य किया है। हम मनुष्य शरीर में रहे तो हमने गलत किया, पशु शरीर में रहे तो गलत किया, चींटी बने, सर्प बने, सांप बने, पेड़ बने, पशु बने, पक्षी बने, जब भी जिस भी रूप में हमने जन्म लिया, उनके साथ हमको क्षमा याचना करनी है। और क्षमा याचना किस तरह करनी है पुण्य आत्माओं, ये आप जान लीजिए। बहुत सुकून और शांति मिलेगी शरीर को। आंखें बंद करके आप एक कार्य कीजिए मेरे कहने से,
अब यहां से हमारी प्रार्थना शुरू होती है। सबसे पहले हमको ओम मंत्र का जप करना है, उसके बाद हमको पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल शांत। हमको बोलना है, हे शुद्ध पवित्र आत्माओं, हे शुद्ध पवित्र आत्माओं, हमने अपने जीवन में या अपने कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी बुरा कार्य किया है या हमने किसी भी आत्माओं को दुख पहुंचाया है, मेरे द्वारा जिस भी रूप में किसी भी रूप में जिस आत्माओं को दुख पहुंचा है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं अज्ञानी था, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया। आप सभी शुद्ध पवित्र आत्माएं क्षमा करने में मेरा सहयोग करें और मुझे क्षमा करें। यदि मैंने इस मनुष्य शरीर में कभी भी किसी भी आत्माओं को दुख पहुंचाया, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में कभी भी किसी को मारा हो, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी को कष्ट पहुँचाया बल से, छल से, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। आप सभी शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, आप हमको क्षमा करें, आप हमको माफ करें। हे पशु पक्षियों, हे पर्वतों, हे वृक्षों, हे शुद्ध मनुष्य प्राणियों, पशुओं, सभी जीव आत्माएं जो इस पृथ्वी पर हैं, 84 लाख योनियों में आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने जिस भी जन्म में आप लोगों को दुख पहुँचाया, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करके क्षमा मांगता हूँ। क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? हे शुद्ध पवित्र आत्माएं, आप हमको क्षमा करने में सक्षम हैं, आप हमें क्षमा कर दें, हमें माफ कर दें। हे दयालु आत्माएं, हम पर उपकार करें। ऐसी आप आत्माओं से विनती करें। इसके बाद आपको जो अनुभव होगा ना, आप शांति में चले जाएंगे, शांति का अनुभव करेंगे। वाइब्रेशंस ही इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में घूम रही हैं। हमने ये जो विनती और प्रार्थना की है ना, ये वाइब्रेशन है, ये कहीं ना कहीं जाके इस यूनिवर्स में टकराएंगी। हमने जिस भी रूप में, जिस भी स्थान पर किसी भी मनुष्य प्राणी जीव जंतु का बुरा किया है, वो हमका क्षमा करेंगे और जरूर करेंगे। ऐसी अवधारणा हमको अपने मन में लेनी है और मुख्य नाम प्रभु का ओम जपते रहना है। आप सभी से विनती है, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है ना, इसको करने के बाद सभी जीवों में शांति का अनुभव होगा। हम सोचेंगे कि हाँ, सभी जीवात्माओं ने हमको मुक्त कर दिया है, हमको माफ कर दिया है। जब हमको इस शरीर को, इस मनुष्य तन को क्षमा का अनुभव होता है ना, तो वो अद्भुत होता है, वो शांति देने वाला होता है। आप सभी पुण्य आत्माओं को मेरा भी प्रणाम और कोटि कोटि वंदन। यदि मुझसे भी कभी जीवन में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो मैं भी आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और प्रभु ओम से विनती करता हूँ कि प्रभु ओम भी मुझे सद्बुद्धि और ऐसा ज्ञान दे कि मैं हमेशा किसी भी जीव जंतु का बुरा ना करूँ, सबके हित के लिए कार्य करता रहूँ, चाहे वो वृक्ष हों, जीव जंतु हों, पशु पक्षी, कुछ भी हो। ऐसे हृदय के साथ आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव।